हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ शोभित के नाखून मैं काट रही थी, क्योंकि उनका नाखून बहुत बड़ा हो गया था। हमेशा चुटकी काटता रहता है, तो इस वजह से मैंने उनकी नाखून ही काट दी। बस आ गए किचन में। मुझे कुछ ज़्यादा ही रेसिपी शेयर वेयर नहीं करनी है, रेसिपी नहीं शेयर करेंगे। मुझे बनाना है करेले की भरुआ। तो बस यहाँ हम करेले धो रहे हैं, वैसे रेसिपी नहीं शेयर करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी करेले की कलौंजी का रेसिपी शेयर भी किया है, तब इसी वजह से मैं नहीं करूँगी शेयर आज। तो बस करेले को मैं काट लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला था। आज 2 दिन तो हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला था, बट आज वीडियो मैं डाल रही हूँ। वैसे मेरे समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन में कहीं वगैरह घूमने टहलने भी नहीं आते हैं, शॉप वगैरह भी नहीं आते हैं, तो बस किस चीज़ का वीडियो डालूं मेरे समझ में नहीं आता, इसीलिए मुझे लेट हो जाता है वीडियो डालने में। तो यहाँ मैं करेले को काट रही हूँ, बीच से चीरा लगा लूँगी, इसी में मसाला भर दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथों से ब्लाउज बनाया है मैंने, जिसे आप सबसे कहा था कि मैंने काट के रख दिया है, जब बनाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे। तो मैंने बना लिया है, कम से कम 15-20 दिन से वो कटा रखा था, लेकिन मैंने सिला नहीं था, स्टिचिंग नहीं की थी, कपड़े को कट करके रख दिया था। तो मैंने बना लिया है, तो आप सबको दिखाएंगे अभी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैंने आज ये वाली कुर्ती पहनी, रेड वाली, रेड अब ब्लू है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना कैसा लगा। और यह मसाला मैंने पहले ही बना के इसे रख दिया था फ्रिज में। वैसे लाइट भी नहीं आती है, हल्का फुल्का बारिश हो रहा था सुबह वही 4 बजे के करीब से बारिश हो रहा था, तो इस वजह से लाइट भी नहीं आई थी, बट अभी आई थी, फिर चले गए। तो करेले में हमने चीरा लगाया था, उसी में हम भर लेंगे इसे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने कई ब्लाउज सिले हैं, सूट भी सिले हैं, बट मैंने आज सबके साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो ये वाली शेयर करते हैं। थोड़ी सी दूसरी मॉडल की सिले हैं हम, दूसरी डिज़ाइन की सिले हैं, तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। वैसे मैंने जो बनाया है, बोर होने लगते हो हमारे वीडियो से तो ज़रूर बता देना कि हाँ बोरियत होती है, मुझे नहीं पसंद आता है, तो मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँगी, सोचती हूँ मैं भी चेंज कर दूँ। हर वक्त किचन में रहती हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन मैं क्या चेंज करूँ मुझे समझ में नहीं आता, बट इसी वजह से मैं चेंज नहीं कर पाती हूँ। तो आप सब बताना कि हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा ही बना पाऊँ, पर बट आप लोग को पता नहीं अच्छा लगता हो कि ना अच्छा लगता हो। मैं तो यही सोच के बनाती हूँ कि हाँ अच्छा लगे, थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, बट कहीं आना जाना हो तो और ज़्यादा चेंज हो जाए, पर कहीं आना जाना तो है ही नहीं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ करेले रख दिए कढ़ाई में। अब हम तेल डाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से तेल डालेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, अगर पहले ही डाल देते तो तेल बीच में हो जाता, फिर करेले लग जाते कढ़ाई में, इसी वजह से मैंने बाद में ऑयल डाली है। तो इधर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, अभी सीटी आएगी तो आप लोग देखना कि जब कुकर की सीटी आती तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगी अभी। तो बस जो बर्तन थे मैंने उसे उठा करके रख दिए हैं, और बाकी बर्तन सूखे नहीं थे तो इस वजह से मैंने उन्हें नहीं लगाया है। वैसे फ्रिज भी हमारी गंदी हो गई थी, फ्रिज भी हमें धुलना है, साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो फिर साफ़ करने वाले हैं। आप सब देख रहे हो मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि सीटी आ रही कुकर की। तो बस करेले को हम पलट देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और हम बना रहे थे करेले का भरुआ। और ये देखो हमारा घर कितना बिखरा है, आज लाइट नहीं आती, आज लाइट आई, बारिश उसे हो रही थी। वैसे कल तो बारिश इतनी कम हुई थी, पर आज हो रही थी बारिश। ये देखो कितना कपड़ा पड़ा है,
सब समेटना है। तो आज बनाने वाले हैं करेले की कलौंजी। वैसे ज़्यादा कुछ रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, रेसिपी नहीं शेयर करने वाले हैं, बस बनाना है। तो आज कई दिन हो गए, दो दिन हो गए मैंने वीडियो कोई नहीं डाला है। सोचती हूँ क्या मैं डालूँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं कि हाँ कुछ किल के बाहर से भी ले आए तो सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, समझ में नहीं आता है। और मैंने एक ब्लाउज अपने हाथ से सिला है, वो आपको अभी दिखाएंगे। मैंने सिला है, वैसे कुछ ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है सिलाई में, लेकिन हाँ बस थोड़ा बहुत सिल जाता है, अपने आप से सिल लेते हैं। मन होता है तब सिल जाता है, मन नहीं होता तो सिल भी नहीं जाता है। तभी आप सबको भी दिखाएंगे मैंने कैसे उसे बनाया है। मेरा बाल आप सब देखो कितने ज़्यादा तेल लगा लिए, बहुत ज़्यादा तेल लगाए हैं। शोभित आ गए, ये झूला वाली रस्सी इसी को तोड़ फोड़ मचा रहे हैं इसी में। यहाँ कितना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ओ टूट गई चूड़ी, मैंने ये वाली कुर्ती आज पहनी है। तो हाँ फ्रेंड्स, दाल हमारा बन गया था तो मैंने सोचा चलो चावल भी डाल देते हैं। तो बस यहाँ चली आई चावल डालने के लिए, तो बस चावल ही डाल देंगे। और जो कलौंजी है वो भी हमारी बन चुकी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये वाला ब्लाउज बनाया है अपने आप से। ये पीछे वाला है, बैक साइड का गला है ये वाला, और ये आगे वाला है। ये पतला वाला लेस लगा दिए हैं, ये मुलायम वाला लेस है, बिल्कुल मुलायम सा पतला सा लेस है, इसे भी लगा दिए हैं। इसमें एक लेस ये लगा दिए हैं, एक ये पतला वाला लगा दिए हैं, और फिर डोरी लगा दिए हैं। और इसमें बटन या हुक वगैरह नहीं लगाए हैं, एजिंग लगा दिए इसमें ये वाला। इस साइड से रहेगा ना तो दिखाई नहीं देगा। तो बस आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मैंने ये जो ब्लाउज बनाया है ये आप सबको कैसा लगा जरूर बताना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।